आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मीटर ब्रिज के अंदर जो बैलेंसिंग लेंथ है फ्रॉम द लेफ्ट इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, व्हेन स्टैंडर्ड कनेक्टेड टू 1 ओम इन द राइट गैप। तो वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो देखो, हमारा जो मीटर ब्रिज है वो कैसा होता है, देखो हमारा यहाँ पर एक गैप होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, ठीक है। तो ये हमारे गैप है जहाँ पर हम क्या काम करते हैं, रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से ये शॉर्ट वायर्स हैं, ठीक है। फिर हमारा ये जो ब्लू लाइन है वो हमारी क्या है, मीटर ब्रिज की वायर है, ठीक है। और फिर यहाँ से हमारा क्या है, एक नल पॉइंट है, यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा जॉकी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे कि इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट हमारी ये साइड है, तो यहाँ से बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, बैलेंसिंग लेंथ है आपकी 20 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम लेफ्ट बोला मतलब कि इस वाले पॉइंट से, मतलब ए पॉइंट से हमारा बैलेंसिंग लेंथ गिवन है। और हमें पता है कि मीटर ब्रिज का जो टोटल लेंथ कितनी होती है, वो आपकी होती है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारी टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 100 सेंटीमीटर होती है। तो हमारी ये जो जॉकी है इस पॉइंट से, ये हमारा क्या बैलेंसिंग पॉइंट है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ पी पॉइंट। तो पी से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जब हमने एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को 1 ओम को कनेक्ट किया राइट गैप में, तो हमारा ये राइट गैप है, तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1 ओम। और हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, अगर मैं क्या काम करूँ, अगर ये बैलेंस है तो इसके थ्रू जो करंट है वो हमारी क्या है, करंट की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि x इंटू 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 20 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बैलेंस मीटर ब्रिज है। तो मैं लिख सकता हूँ x इंटू 80 इज इक्वल टू 1 इंटू 20। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 20/80 आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, 1/4 ओम आ जाएगी। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.25 ओम आ जाएगी, हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल का 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।